अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और जी, यहाँ पे बच्चे जौन से हैं वो खेल रहे थे और नुमान यहाँ पे जा रहा है जी ट्यूशन। और बस उसके बाद नुमान लोग आ चुके थे वापस ट्यूशन से। और यहाँ पे जी हम मौजूद थे, नुमान को एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था उसकी आर्ट की मैम ने दिया था स्कूल से, और यहाँ पे हम बैठे हुए बटरफ्लाई बना रहे थे। और जी बस यहाँ पे हम लोग मौजूद थे और नुमान ने जिनसे वो एक बटरफ्लाई बना ली थी और उसने अपनी नोट बुक पे लगा ली थी, तो मुझे कहने लगा मामा एक आप बना के दिखाएं। तो मैंने सोचा चले मैं भी ट्राई कर ही लेती हूँ, तो इतना मुश्किल तो नहीं है। देख देख के मैंने भी कुछ ना कुछ बना ही लिया था। पहले थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रही थी, बच्चे तो असल में रोज़ कुछ ना कुछ करते हैं, अपने स्कूल में जाते हैं और हर तरह की वो एक्टिविटी होती है उन लोगों की, तो उन लोगों को तो आता ही है। तो मैंने सोचा कि चलें ठीक है, इस बार मैं भी ज़रा ट्राई करती हूँ और देखते हैं कि क्या मैं बना सकती हूँ कि नहीं। और बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी आखिरकार मैं भी कामयाब हो ही गई हूँ। और वो कहते हैं ना कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, तो मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल पाएंगे, ऐसे तो कुछ भी नहीं होता। तो खैर, आपकी दुआओं की ज़रूरत है और भी मामूलात हैं और जो हम लोगों ने करने हैं, तो उसमें आप लोगों का साथ ज़रूरी है। तो खैर, यहाँ पे जी हम लोग बना चुके थे और फिर मेरा टाइम हो चुका था, मुझे लंच तैयार करना था। और यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ जी आज कढ़ी। और मैंने ये प्याज चॉप ले ली थी, ये छोटी सी प्याज जो होती है वो मैंने ले ली थी। उसमें मैंने थोड़ा सा मामूली सा अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया था इसमें, और बस इसमें मैंने स्पाइसेस डाले थे, लाल मिर्च वगैरह का पाउडर, हल्दी, मतलब जितने भी स्पाइसेस हैं आप अपने हसब जायका जितना आप लोग पसंद करते हैं वो आप लोग डाल सकते हैं। ये ऑयल जो सा है मैंने निकाल लिया था ऊपर से, जब मसाला बिल्कुल रेडी हो जाता है तो मैंने बना ली थी जी लस्सी। उसमें दही में मैंने शामिल किए थे 3 अदद बड़े, जो हमारे टीस्पून होती है हमारी खाने की, वो 3 मैंने बेसन के डाली थे चम्मच। और उसके बाद मैंने पानी ऐड किया था, पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको ब्लेंडर को चलाया था और बस उसके बाद लस्सी बन गई थी। और वो लस्सी मैंने, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डाल दी थी जी उस मसाले में, और ऑयल मैंने अलहदा कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको मुसलसल चमचा जो है वो हम लोग हिलाते रहते हैं ताकि ये जो है इसकी फिटकरियाँ ना बन जाए, तो इसलिए हम लोगों को चमचा हिलाते रहना चाहिए। और यहाँ पे जी मैं ऐड कर रही थी लीमू का एक रस, पूरा जो एक लीमू होता है वो मैं ऐड कर रही थी, और एक लीमू का रस मैंने इसमें निचोड़ लिया था। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं इसमें कढ़ी में जो सा है वो बॉयल आना शुरू हो गया था। जब कढ़ी में बॉयल आना शुरू हो जाए तो आपको पता है वो काफ़ी हद तक जो सा है वो तैयार होना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद हमें इसमें चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम लोग इसको फिर साइड में कर देते हैं ताकि ये
जितनी हम लोगों को चाहिए थोड़ी सी वो अपने हिसाब की, थोड़ी सी मतलब पतली ना हो ना इतनी गाढ़ी हो, नॉर्मल सी होनी चाहिए कि खाते हुए अच्छा लगे। तो यहाँ पे जी मैं अपनी अम्मी के घर आई हुई थी और वहाँ पे बैठ के मैं अपनी वॉइस ओवर कर रही थी, लेकिन आपको पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी, बहुत सी शोर शराबा है और काफ़ी आपको पता है बच्चे हैं, तो अक्सर मैं रात को ही अपनी वॉइस ओवर करती हूँ लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से बस आज मैंने सोचा कि मैं अभी बैठी हुई हूँ तो चले मैं अपनी वॉइस ही ओवर कर लेती हूँ। और बस यहाँ पर मैंने सोचा कि आपको मैं दिखा देती हूँ जो कुछ मैंने रेडी किया था। और बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी यहाँ मैं बनानी थी पकौड़ों के लिए पेस्ट, और इसमें मैंने शामिल की थी प्याज और आलू छोटे छोटे मैंने ले के काट लिए थे, इसमें धनिया था, ज़ीरा और ये बेकिंग पाउडर थोड़ा सा मैं ऐड करती हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला मैं ऐड कर लेती हूँ, और जितने भी स्पाइसेस हैं वो जो धड़ा मिर्च होती है, और बस यहाँ पे तमाम चीज़ें जो उनकी हैं वो मैंने ऐड कर ली थी। तो हम लोगों का प्लान था, सिस्टर जो उनकी हैं बड़ी हया वो हम लोगों को लेके जा रही थी जी बाहर, और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग चलते हैं जी सेंट टॉरेंस, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था जब से मैं आई हूँ पाकिस्तान, हम लोग जो उनसे हैं काफ़ी नाम सुना था सेंट टॉरेंस का, तो एक बार मैं गई थी गीगा मॉल और गीगा मॉल भी मुझे बहुत पसंद आया था और वो थोड़ा सा मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसके अलावा जी सेंट टॉरेंस का सुना था और हम लोग प्लान करते थे हमेशा कि हम लोग चलते हैं जी सेंट टॉरेंस, तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग चलेंगे जाएंगे। और कुछ हयात का काम था एक जगह पे, हम लोगों ने वहाँ जाना था और वापसी पे हम लोग वहाँ पे आए थे, तो हमारे साथ बच्चे मौजूद नहीं थे, बच्चों को लेके हम लोगों ने यही सोचा था कि नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जी था प्लेलैंड भी और आपको पता है जहाँ पे स्विंग्स वगैरह हो वहाँ पे तो बच्चों ने लाजमी जाना होता है। तो बस यहाँ पर जी मैं बस तैयार कर चुकी थी जी पेस्ट पकौड़ों का, और पकौड़े मैंने डाल दिए थे एक पैन में, ऑयल गर्म हो चुका था और बस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं तैयार कर रही थी पकौड़े। और जी ये सब्ज मिर्च है, ये मैंने चाट मसाला लिया था, इसमें मैंने एक लीमू का रस निचोड़ लिया था और ये चाट मसाला जौन सा है मैं इसे इन मिर्चों में भरी थी, और थोड़ा सा ही मेरे पास बेसन रह गया था तो मैंने उसी में ऐड करके पकौड़ों वाली मिर्चें तैयार करनी थी। और बस यहाँ पे जो कड़ी है जी वो बॉईल हो चुकी थी अच्छे से, पकोड़े जो उनसे वो साथ साथ मैंने फ्राई करना शुरू कर दिए थे, और बस यहाँ पे जी साथ साथ पकोड़े भी फ्राई हो रहे थे, और इसके अलावा जो उनसे ये मैंने पकोड़े जो उनसे हैं वो बना के तो मैंने जो कड़ी है उसमें साथ साथ शामिल करना शुरू कर दिए थे, साथ साथ शामिल हम लोग कर लेते हैं तो उससे ये है कि जो पकोड़े होते हैं वो सॉफ्ट से हो जाते हैं, नहीं तो वो थोड़े से ऐसे अकड़ से जाते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि एक बार मैंने ऐसे ही किया था तो वो थोड़े मुझे पकोड़े लगे जैसे बिल्कुल अकड़े अकड़े से हैं, तो मैं अब जौन सा है ना कड़ी के साथ पकोड़े जौन से उतार के तो साथ ही कड़ी में ऐड कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर जी कड़ी हो जाएगी हमारी रेडी, और जी बस हम लोगों का प्लान था जाने का, तो हम लोगों ने रेडी होना था, नेक्स्ट डे था और मैंने सोचा कि मैं जो कपड़े हैं वो प्रेस वगैरह कर लूँगी साथ साथ, और उसके बाद हम लोग जो है क्योंकि हम लोगों ने सुबह जल्दी जाना था और इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग रेडी हम लोगों को रहना चाहिए। और ये जो आपने देखे हैं जी यहाँ पे मैंने स्पेक्टी डाली हुई थी साथ साथ, तो बच्चों ने मॉर्निंग में लेके जानी थी और बस मैंने वो भी तैयार करनी थी। यहाँ पे जी पकोड़े जो से हैं वो मैंने तैयार कर लिए थे, मिर्चों के भी पकोड़े हैं इसमें और प्याज के भी पकोड़े हैं, और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक छोटी सी प्याज ले ली थी, उस पर मैंने जी ज़ीरा डालना था और बस ये तड़का लगाना था, और उसके बाद हमारी जौन सी है कड़ी वो रेडी थी। बच्चे जौन से हैं जी वो शोर डाल रहे हैं, आपको अब बैकग्राउंड जौन सा है जी वो सुनने में ज़रूर मिलेगा, पीछे से काफ़ी आवाज़ें आ रही थी
तो मैंने सोचा चलें कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बच्चे अगर बोल रहे हैं तो बोलने देते हैं, और बस मैं यहाँ पे जी अपनी वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। मेरे पास एक दो और वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड करनी है, तो बस यहाँ पे प्याज ब्राउन हो गई थी, ज़ीरा भी इसमें मैंने शामिल कर लिया था, और एक कड़ी पत्ता था वो भी मैंने इसमें डाल लिया था। थोड़ा सा इसमें मैंने शामिल किया था जी सूखी कसूरी मेथी, जो सी होती है सूखी मेथी जिसको कहते हैं, वो भी मैंने शामिल कर ली थी, और जो ऑयल मैंने निकाल के रखा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया था, और बस कड़ी हो गई थी जी हमारी डन। ये आप देख सकते हैं, और बहुत ही स्पाइसेस, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।